और सोच ये रहे होंगे आप लोग कि ये नया चेहरा जो है वो आप लोगों को कहाँ से नजर पीछे पीछे पाकिस्तानी हमाम है और हमारा खाना दिखाए बगैर जो है वो हजम नहीं होता, तो खाना दिखाऊंगी आपको मैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। आप लोगों को दिखाना भी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, कुछ बाश होंगे और हाँ जी कुछ बाश होंगे, ईद आप गुजार चुके होंगे और सोच ये रहे होंगे आप लोग कि ये नया चेहरा जो है वो आप लोगों को कहाँ से नजर पीछे 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 तो देखो एक मिनट यार क्या चबले मरी जा रही है। ओके हाँ, तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि जो नया चेहरा आप लोग देख रहे हैं मैं हूँ, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, मैं कौन हूँ कौन हूँ कह ये आप पूछ लेंगे अपने ब्लॉगर से, क्योंकि चैनल उन्हीं का है और इन्होंने मुझे कहा था कि स्टार्ट मैंने लेना है आज। मैंने कहा चलो चल रही तो मारनी है मार लेते हैं और अकेले में से बकवास कर ही नहीं जानी तो उनको साथ लेते हैं साथ बस कर पगली रुलाएगी क्या सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सब, और यकीनन सब खुश बाश मज़ेदार मज़ेदार होंगे ना मज़ेदार होंगे इसका कसूर नहीं है। हाँ तो ये मज़ेदार वाली बात इसलिए कर रही थी क्योंकि हमारा ऑर्डर जो है वो बिल्कुल हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो क्या बताओ सर लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग कटिंग करेंगे ज़रूर करेंगे क्योंकि आप लोगों को सारा चेहरा तो दिखाना है नहीं, घर से कोट पह जाती होती है हमें, समझा करें ना समझ रहे कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाएँगे हम लोगों का ऑर्डर। यू नो पाकिस्तानी है यार हम लोग, खाने की तस्वीर ना लगाए और ना दिखाए तो मज़ा भी पिज़्ज़ा हो पिज़्ज़ा हो तो यू नो खाना जो है वो हमें हज़म नहीं होता बगैर जो है वो दिखाए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही कहूँगी कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये वो बंदी है जिसके साथ ज़िंदगी के वो टाइम गुजारा जो बताने वाला नहीं, वो पीछे क्या हो रहा है पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो या फिर ये लोग कहेंगे हमने इनको बगैर कहे नहीं मतलब बगैर इजाज़त लिए जो है वो इनको ब्लॉग के अंदर ले लिया, वैसे क्या बोलूँ हम मैं। अच्छा एनी वेज यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि मेरी प्यारी सी दोस्त है आर जे जिया और आर जे किरण को हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि मैं बताऊँ ये क्या हो रहा है। अच्छा बीच में ये जो चवल लग जाती होती है ना बीच में ये नोटिफिकेशन आ के टाइम वेस्ट करे होते हैं और हमारा फ़ोन है सबके ग्रुप होते हैं उनमें मैसेजेस आप लोगों को शायरी के देखा, ये बहुत ही दुखी आदमी है तो ये शायरी वगैरह और ऐसे मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, ये बिल्कुल झूठ बोल रही, आपको पता है मैं कितनी चिल बंदी हूँ और जैसी मैं हूँ मेरी फ्रेंड्स भी उसी तरह से बड़ी हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी उसी तरह से बड़ी चिल हैं, आपके सामने देख लें किस तरह से बोल रही है समझ कितनी होगी कितनी ओ समूरा यार देखो अपने मुँह में मिठू बन रही है ना हम लोग अच्छा यार किरण को बहुत ओके जी, तो हम लोग बात कर रहे थे किरण की कि हमने उसको जो है वो वीडियो कॉल की साथ को हम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, वो भी क्राइम पार्टनर रही हैं हमारी तो सही काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, काफ़ी अर्से बाद जो है हम लोग इकट्ठे हुए हैं तीनों, उस बंदी को तो हमने साथ वो वीडियो कॉल से वीडियो कॉल पे लिया था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वीडियो कॉल का, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी ये बनाए हैं लेकिन हम उसे बिल्कुल भी ब्लॉग में पोस्ट करने वाले नहीं हैं क्योंकि उसमें हमारी जो इतनी प्यारी प्यारी बातें थी हम नहीं चाहते कि उसमें लोग बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है वो बातें कि उसको ब्लॉग नहीं अच्छी बात है, लेकिन पता ना जिया की आदत है यू नो मतलब यू नो समझ गया कोई आदत नहीं है मेरी। एनीवे जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट घंटी के बटन पे वो ऑन करना क्या टन 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 करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हाँ और वो जो रेड वाला होगा ना यहाँ यहाँ किधर होगा यार इधर इधर यहाँ होगा चलो जहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है आप इसको ऑन कर दे सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अभी हम इस ब्लॉग के चक्कर में जो है वो अपना खाना बिल्कुल भी ठंडा करने वाले नहीं हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, सुबह से बंदी ने कुछ नहीं खाया हुआ और मैं भी बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है देख के सिर्फ अभी सही बात है क्योंकि मैं ऑफिस में इतना ज़्यादा आज बिजी थी, ऑफिस से ये मुझे बार बार कॉल कर रही थी इसकी वजह से मैं फटाफट से भागी हूँ काम खत्म करके और अभी हम लोग लंच करने लगे, ब्रेकफास्ट मैंने सुबह किया नहीं था इससे भी कुछ नहीं खाया हुआ अभी हम खाना खाएंगे और ये हमारा ब्रेकफास्ट है जी पाकिस्तानी अवाम का पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट यू नो समझ रहे हो लोगों को खाने के नाले पड़े हुए हैं तो हम लोग मतलब मैं नहीं तुम लोग ब्रेकफास्ट में पिज़्ज़ा खा रही हूँ मैं तो खा नहीं रही समझ रहे हो ना हाँ ये तो भूखी बैठेगी है इसमें तो बस चलो छोड़ा यार खाने तो चुप करो। Meanwhile ये तो खाना आपको दिखा दिया अब आपको हम ये पीछे वाले बच्चे दिखाएंगे क्योंकि इनको देख के हमारे अंदर भी
बच्चे होने की तलब हो रही है, लाइक हम भी कभी बच्चे थे ना, अभी तो अभी बच्चे थे, बहुत बड़े हैं जिया, नहीं मतलब समझ रहे हो ना, कवर तो कर रहे हैं बहुत, देखो वो बच्चा नहीं है ये, तो कोई बड़ा सा नहीं शिक्षा दे यार। जान सर्व करते हुए ये चीज़ आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि कहीं पे भी कोई ऐसा हम लोगों का, ओए अल्लाह आंटी तो ऐसा भाई रब्बा आंटी आ गई, आंटी दे बंदे मैनू छड़ना नहीं है, आंटी दे बंदे मैनू छड़ना नहीं है, मेरी बंदी नू तू व्लॉग च लै लै बगैर नकाब दे, खैर छोड़ो यार, लेकिन हाँ मैंने कहा हाँ स्टिकर्स लगा देना तुम, ये ना हो कि मेरी पिटाई हो जाए यार। लेकिन बेटा तू पकड़ी जाएगी ठीक है, मेरा किसी को मैंने उनको भी मेंशन तुम्हारा अकाउंट नीचे कर देना ताकि सबको पता चल जाए। चलो ठीक है वही करो, मेंशन करो मुझे वहाँ पे, जूते पड़वाओ मुझे, क्योंकि मतलब यार इसको सुकून नहीं आता अकेले जूते खाने में, और वैसे भी इज्जत अगर अकेली हो रही होती है ना तो फिर वो उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अच्छा तो ये देखें, बहुत ही हमारी घरेलू खवातीन की तरह, घरेलू खवातीन बोलते हैं क्या बोलते हैं यार वो, सुगड़ ये हमारी सुगड़ बची है जो लगी हुई है। अच्छा मैं ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊँ मैं कितने अच्छे शूट लेती हूँ यार, कितनी औसम हूँ मैं, है ना, अच्छे शूट है कि ये सिर्फ एक पीस जो है ना वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। वाओ देखो यार इसमें से जुलम है, कौन सा वाला कैचअप चाहिए यार, यार कोई भी चलेगा, भूख लगी है तुझे नहीं पता, हमने भी वो मैं सिंगल हूँ ना, वरना मैं भी यहाँ पे कोई ए बी सी डी लिखती इसकी बर्थडे पे पहले एज लिखा था मैंने, तो वो फिर सबको लगा था जब मैंने पोस्ट किया तो सबने कहा था चल गया तेरा चक्कर, लेकिन मेरा चक्कर नहीं चला था, मैंने बाद में बताया था मेरा कब बर्थडे है यार, अपन सिंगल है शदीद, हाय मजे। A few moments later. ये लोग भूख से बेचारे मर रहे हैं, जब ये अटैक करते हैं पिज़्ज़ा पे बेचारे, अब कहाँ जाए ये पिज़्ज़ा, अब क्यों पेट में अभी हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा इंजॉय करते हुए, और विंग्स को भी हमने छेड़ा भी नहीं है, हम आपको बता देते हैं हम बैठे हुए हैं यहाँ फ्राई चिक्स पे, और आज फ्राई चिक्स पे बहुत रश है। हाँ जी मैं अभी से यही कहती कि तुम्हारे एजाज में तो नहीं हुआ ऐसा, पता चल गया कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? It's time to go. हम लोग अब जा रहे हैं, और होप सो आप लोगों ने इस व्लॉग को जो है वो इंजॉय किया होगा, नहीं भी किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो बहुत इंजॉय किया। तो खैर अपने आपने कमेंट्स में जो है वो लाजमी बताना है कि आपने जो है वो व्लॉग इंजॉय किया है या नहीं किया।